नमस्ते बच्चों। देव और दानव इस कहानी को आम चित्र के माध्यम से विवरण देने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रख कर आप इस चित्र को देख कर इस कहानी को जानने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करो बच्चों। शुरू करेंगे बच्चों। हाँ, देवता और दानव और देव देव भी कहते हैं, देव देवता दोनों एक है। देव और दानव, देव यानी देवता लोग, दानव यानी राक्षसा राक्षस। दिस वन इज द लेसन नेम, पाठ का शीर्षक देव और दानव। पहला चित्र, ये चित्र देखो बच्चों। देव और दानव दोनों में युद्ध चल रहा था। देव और इस चित्र में देखो, ये देव और ये दानव दोनों के सामने युद्ध चल रहा था। युद्ध यानी लड़ाई, लड़ाई चल रहा था। नेक्स्ट, नारद जी ने, इधर नारद जी है ना, नारद जी ने इन दोनों के यानी देवता और राक्षस लोगों के सामने युद्ध करने का कारण समझकर क्या किया नारद जी ने? विष्णु के पास जाकर नारद जी ने देवता और दानवों के सामने युद्ध करने का कारण समझकर विष्णु जी के पास जाकर, अगला चित्र देखो, प्रश्न करते समय नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर बातचीत करते समय उसके साथ प्रश्न करते समय नारद जी ने कहा, क्या कहा नारद जी ने? भगवान, नारद जी ने कहा भगवान, देवता और दानव। इधर देखो, देवता और दानव दोनों आपके संतान, आपके पुत्र थे, फिर आपने क्या किया? देवताओं को स्वर्ग लोक दिया। आपने क्या किया? देवताओं को स्वर्ग जैसा सुंदर लोक दे दिया। देवताओं के लिए जैसा सुंदर लोक आपने दिया। दानव भी आपके पुत्र थे, आपने क्या किया? दानव को पाताल लोक, यह देखो, पाताल लोक में भेज दिया। दोनों आपके संतान थे, देवता लोगों को आपने सुंदर, देवताओं के बहुत सुंदर लोक स्वर्ग दे दिया। दानव के लिए पाताल लोक भेज दिया। ये दोनों के साथ क्यों भेदभाव किया? इसी तरह नारद जी ने विष्णु से प्रश्न पूछते समय विष्णु जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे लिए बहुत कठिन थे। आप एक काम करो, तुम देवता और दानवों को मेरे ओर से भोजन का निमंत्रण भेज दो। विष्णु जी ने कहा नारद जी से, क्या कहा? तुम देवता और दानवों को मेरी ओर से आओ, आप जाकर भोजन का निमंत्रण भेज दो। इसी तरह विष्णु जी ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने क्या किया? विष्णु के बात सुनकर देवता और दानवों के सामने, देवता और दानवों के पास गई। बाद में नारद जी ने बताया, विष्णु जी तरफ से भोजन का निमंत्रण दिया है। इसी तरह बताते समय दोनों ने क्या किया? दूसरे दिन देवता और दानव भोजन करने के लिए
विष्णु लोक पहुंची। नारद जी की बात सुनकर देवता और दानव दोनों ने भोजन करने के लिए क्या किया, देवता दानव लोग विष्णु लोक पहुंची। दानव लोग ने क्या किया, दानव लोग ने भोजन करने के लिए विष्णु लोक पहुंची। इधर देवता लोग भी नारद जी की बात सुनकर क्या किया, नारद जी की बात सुनकर ये भोजन करने के लिए स्वर्ग विष्णु लोक पहुंची। दोनों पक्ष के बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों पक्ष ने विष्णु जी के बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। विष्णु जी ने क्या कहा, दोनों दल के लिए मैं एक काम बताती हूँ, दोनों दल के लिए मैं एक काम बताती हूँ, आप दोनों से पहले काम समाप्त कर लेगा वही स्वर्ग में रहेगा। दोनों लोग ये स्वीकार किया। इसके बाद विष्णु ने क्या किया, विष्णु जी ने देवता और दानवों को अलग अलग कमरे में बैठाया। बैठने के बाद क्या किया, इधर देखो, बैठने के बाद विष्णु जी ने दोनों के हाथों में, दोनों के हाथ देवता लोगों के हाथ में और दानवों के हाथ में, यह देखो दानव है ना, दानवों के दो हाथ में क्या किया, सीधी लकड़ियां बांध दी गई। इसी तरह सीधी लकड़ियां उसके दोनों हाथ पर बांध दी गई। राक्षस लोग है ना, इसके दोनों हाथ में क्या किया, सीधी लकड़ियाँ लेकर हाथों में रस्सी की सहायता से बांध लिया। अगला पिक्चर देखो, इसी तरह देवता लोगों के हाथ में भी सीधी लकड़ियाँ लेकर रस्सी की सहायता से बांध लिया। बाद में उनके सामने यानी देवता लोग और दानव लोगों के सामने तालियां रखी गई। इसी तरह तालियां से भोजन भरकर उसके सामने विष्णु जी ने रखी गई। बाद में बताया उसने भोजन करने के लिए विष्णु जी ने बताया। इधर देखो, तालियां बैठने के लिए जगह या तैयार करने के बाद भोजन करने के लिए विष्णु जी ने देवता और दानवों को कहा। बाद में देखो देव और दानवों के सामने प्रश्न पैदा हुआ। इधर एक कमरे में देवता लोग भोजन करने के लिए बैठ गया। इधर अगले कमरे में दानव भी भोजन करने के लिए बैठते समय दोनों के सामने एक प्रश्न पैदा हुआ। हाथों को मोड़े बिना भोजन कैसे किया जाए, भोजन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों के हाथ में सीधी लकड़ियाँ बांधती, क्योंकि भोजन करने के लिए बहुत मुश्किल हो गई है ना, उसके हाथ में सीधी लकड़ियाँ बांध दी गई। दानव लोगों ने सोच विचार करना शुरू किया। इधर देखो, सब खाने के लिए दानव लोगों ने सोच विचार करना शुरू किया, पर उन्हें खाने का कोई उपाय समझ में नहीं आई। दानव लोगों के सामने योजन करते समय खाने
उसका कोई उपाय समझ में नहीं आया। हाथों को मोड़े बिना भोजन को मुंह से डाल नहीं पा सके। फिर दानव ने क्या किया? दानव हाथों को ऊपर उठाकर, दानव ने क्या किया? हाथों को ऊपर उठाकर भोजन मुंह से डालने लगे। भोजन इधर उधर, इधर देखो, इधर उधर गिरने पड़ा। भोजन इसी तरह करते समय क्या हो गया? भोजन गिरने लगा। कुछ दानव लोगों ने हवा से खाने के लिए शुरू किया। इसी तरह करते समय दानवों के कपड़े क्या हो गया? खराब हो गए। ताली में मुंह लगाकर खाना खाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना, हवा से खाने के लिए प्रयत्न करते समय उजला कर खाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने मुंह लगाकर खाना करने की कोशिश किया। फिर इसमें दानव लोग सफल नहीं पाए। दानव लोग इस स्पर्धा में सफल नहीं हो पाए। इसी तरह करने से दानव के कपड़े खराब हो गए। इधर अगले कमरे में इधर देखो, अगले कमरे में देवता लोगों ने बैठे हैं ना। इधर इधर देवताओं के हाथ में भी सीधी लकड़ियां बांध दी गई ना। देवता लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा चतुराई से काम करने के लिए शुरू किया। देवता लोगों ने चतुराई से थोड़ा सा काम करने के लिए शुरू किया। अब देवता लोग ने क्या किया? अपने हाथ से भोजन करने पर रोक कर, क्यों? आपके हाथ में सीधी लकड़ियां बांध दी है ना, इसलिए भोजन करने पर रोक कर अपनी जगह से। इधर दोनों देवता हो बैठे ना, अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। इधर देखो चित्र, देवता लोगों ने क्या किया? भोजन करने के लिए अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और आपने सामने बैठा था, आसपास बैठकर। इधर देखो, दोनों लोग आसपास बैठकर देवताओं को खाना खिलाने लगे। देवता लोगों ने इधर देखो खाना खिलाने लगे। इस तरह बिना हाथ मोड़े, देखो बिना हाथ मोड़े, बिना हाथ मोड़े देवता लोगों ने भोजन कर लिया। देवता लोगों ने चतुराई से अपना काम पूर्ण किया। इस स्पर्धा में देवता लोग जीत गई। इसमें क्या आप समझते हैं? सहकार की भावना से काम किया। देवता लोगों ने क्या किया? सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया। देवता लोगों ने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। इस कहानी में मिलने वाला शिक्षा आप सब जानते हैं ना, क्या शिक्षा मिलते हैं? हाँ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलते हैं? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और झगड़ा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षे में आप इस पाठ्य पुस्तक में आने वाला प्रश्नोत्तर और व्याकरण के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके बारे में प्रश्नोत्तर सीखेंगे और
विलोमार्थक शब्द और समानार्थक शब्द के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखकर या सीखने के लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों। देव और दानव, इस कहानी को मैं आगे पढ़कर इसका विवरण मैं देती हूँ। आपके पास भाषा शांति पुस्तक पेज नंबर 4 नीचे 3 लाइन है ना, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ध्यान से देखो। देवता और दानवों के सामने समस्या थी, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। ध्यान से देखो, बाद में इसका बारे में मैं इस कहानी का विवरण मैं देती हूँ। पुस्तक खोलो बच्चों, पेज नंबर 4, ऐसे नंबर, देव और दानव। रेडी? ओके, ध्यान से सुनो। ऐसे नंबर, देव और दानव, पेज नंबर 4 नीचे 3 लाइन है ना, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। देवताओं और दानवों के सामने समस्या थी कि हाथों को मोड़े बिना भोजन कैसे किया जाए। दानवों ने खूब दिमाग लगाया पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। दिमाग लगाया एक मुहावरे शब्द, हाथों को मोड़े बिना वे भोजन को उठाकर मुंह में डाल नहीं पा रहे थे। कुछ दानवों ने तालियों में मुंह लगा दिया, कुछ दानव हाथों को ऊपर उठाकर भोजन मुंह से डालने लगे, जिसमें भोजन इधर उधर गिरने लगा। उनके कपड़े भी खराब हो गए। देवताओं ने चतुराई से काम किया, वे आमने सामने बैठ गया और एक दूसरे को भोजन कराने लगे। बच्चों, इस पाठ को विवरण देने से पहले इस वाक्य में आने वाला शब्द में शब्द का अर्थ और विलोम शब्द और समान अर्थ शब्द के बारे में मैं बताती हूँ। बाद में इस कहानी को का विवरण मैं देती हूँ बच्चों। इस कहानी को स्टोरी कहानी को विवरण देने से पहले सुनो, पिछले कक्षे में मैंने बताया विष्णु जी के बात सुनकर नारद जी ने क्या किया, देवता और दानवों के पास गई। किसने? देवता और दानवों के पास गई। नारद जी ने देवता और दानवों के पास गई और विष्णु जी के तरफ से देव और दानवों को भोजन का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन दोनों भोजन करने के लिए स्वर्गलोक पहुंची। दोनों पक्ष विष्णु के बात मानने के लिए दोनों तैयार नहीं थे, इसलिए विष्णु जी ने क्या किया, दोनों दल के लिए एक काम बताने के लिए शुरू किया। इस स्पर्धा में किस दल शीघ्र काम पूरा करते हैं, ये स्वर्ग में रहने के लिए विष्णु जी ने बताया। विष्णु जी ने दे
बताया, बाद में दोनों के हाथ है ना, हाथ में सीधी लकड़िया, सीधी लकड़िया यानी इसी तरह एक लकड़ी है ना, इस लकड़िया को बार दी गई, दोनों हाथों को बार दी गई। बार होते समय हाथों को मोड़ना बहुत मुश्किल, बार दी गई उनके सामने, बाद में उन देवता और दानवों के सामने तालियां रखी गई, उनसे भोजन करने के लिए कहा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। देवता और दानवों के सामने समस्या थी, क्या समस्या? विष्णु जी ने दोनों हाथों पर क्या किया, सीधी लकड़ियां बांध दी गई, सीधी लकड़ियां देवता और दानवों के हाथ में बांध दी गई, हाथों को मोड़ा, ताना बहुत आसान है, इसी तरह ताना बहुत अच्छा है ना, हाथों को मोड़ा बिना भोजन खाना बहुत मुश्किल हो गई, ये समस्या शुरू हो गई। दानव और देवताओं के एक समस्या, एक प्रश्न का पैदा हो गया, हाथ को मोड़े बिना भोजन करना कैसे किया, हाथ को मोड़े बिना भोजन कैसे किया। दोनों के हाथों में सीधी लकड़ियां बांध दी गई, इसी कारण दानव लोगों ने क्या किया, दानव लोगों ने सोच विचार करने के लिए शुरू किया, सब दानवों ने सोच विचार करने के लिए शुरू किया। कुछ दानव लोगों ने खाना खाने का कोई उपाय समझ में नहीं आया, कुछ दानव लोगों को खाना किस तरह खाना खाने के लिए कोई उपाय समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने हाथ को मोड़े बिना भोजन को मुंह में डाल नहीं पा रहे, हाथ को मोड़ा बिना भोजन को मुंह से ऊपर डालना बहुत मुश्किल होने के कारण दानव हाथ को उठाकर भोजन मुंह में डालने लगी। कुछ दानव लोगों ने क्या किया, हाथ को ऊपर उठाकर भोजन मुंह में डालने लगे, भोजन इधर उधर गिरने लगा, दाना इसी तरह करते समय भोजन इधर उधर क्या किया, गिरने लगा, इसलिए दानवों के कपड़े कबर खराब हो गए, इसी तरह खाने के कारण दानवों के कपड़े क्या गया, खराब हो गया। कुछ लोगों ने ताली में मुंह लगाकर, ताली में कुत्ते की तरह मुंह लगाकर खाना खाने के कोशिश की, ये भी बहुत मुश्किल था। कुछ दानवों ने हवा में खाने को उजाल कर, हवा है ना, हवा में खाने को उजाल कर खाने का प्रयास किया, ये भी सफल नहीं हो गई, इसी तरह दानवों के कपड़े खराब हो गए, हाथ मुड़े खाना खाने के लिए कोई उपाय नहीं मिला। बाद में इधर देवता उन्हें क्या किया, सोच विचार करने के बाद काम किया, इन दोनों ने देवताओं ने अपने हाथ से भोजन करने पर रोक कर, क्योंकि अपने हाथ में विष्णु जी ने क्या किया, सीधी लकड़ियां बांध दिया, देवता ने सोच विचार करने के लिए काम शुरू किया, अपनी जगह से देवताओं ने क्या किया, अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, अपने सामने बैठा था, आसपास बैठकर दूसरे देवताओं को खाना खिलाया, इसी तरह आठ
बिना काना, इसी तरह काना खिलाने लगे। इस तरह बिना हाथ मोड़े उन सभी ने भोजन कर लिया। देवताओं ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, आसपास बैठकर क्या किया, दूसरे देवताओं को खाना खिलाने लगे। इस तरह हाथ मोड़े उन सभी ने भोजन कर लिया। इसको देखकर प्रजापति ने क्या किया, प्रजापति यानी विष्णु जी ने देवताओं को स्वर्ग में रहने के लिए क्या दिया, बताया। इसमें आप क्या समझते हैं इस कहानी से, सहकार की भावना से काम किया। देवता लोगों ने क्या किया, सहकार की भावना से अपना काम पूरा किया और उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। आप जानते हैं ना बच्चों, माई पीपीटी के द्वारा इस कहानी को चित्र के माध्यम से मैं ये कहानी को फिर एक बार बताती हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, बच्चों इस पाठ में आने वाला विलोम शब्द और समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द पहला वस्त्र कपड़े वसन, वस्त्र कपड़े वसन, दूसरा धरती धरणी वसुंधरा धरती धरणी वसुंधरा, मुख चेहरा मुकुट, मुख चेहरा मुकुट, खाना भोजन आहार, समस्या मुसीबत, विलोम शब्द हार जी, चतुराई मूड कठिनाई सरलता, आकाश पाताल धनी दरिद्र। इस समानार्थक शब्द और विलोम शब्द को अपने आपके पास रफ नोट हिंदी ओमन पुस्तक है ना, हिंदी ओमन बुक, यू राइट इन हिंदी ओमन बुक में या समानार्थक शब्द को और विलोम शब्द को लिखो बच्चों।